नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स से पहले बीटीसी ईटीएच ने किया फ्लैट ट्रेड। बाइनेंस सीईओ ने कही क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर इंडिया के टैक्स की वजह से इंडस्ट्री के खत्म होने की बात। ट्विटर ने क्रिप्टो वॉलेट पर अपने काम को किया हॉल्ट। डोजकॉइन में आई 4% की गिरावट। जापान की डिजिटल मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी अपना डाओ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जेपीएम और डीबीएस समर्थित ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क पार्टियर में किया इन्वेस्ट। स्ट्राइप ने की अपने 1000 से ज्यादा वर्कफोर्स की कटौती। क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकर ने गैसलेस एनएफटी मार्केटप्लेस को किया लॉन्च। $1 बिलियन हैक के डर से गाला में आई 20% की गिरावट। क्रिप्टो वॉलेट ब्लॉकटो ने एप्टोस बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च किया $3 मिलियन फंड। F1 टीम ने रेसिंग एनएफटी मार्केटप्लेस क्रॉस प्रमोशन के लिए ओपनसी पर किया टैप। बीटीसी को गुरुवार को समर्थन मिला क्योंकि यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में मदद की और बहुत जरूरी समर्थन प्रदान किया, जबकि नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स नीचे आते हुए देखा गया। अक्टूबर में ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI 56.7 से गिरकर 54.4 पर आ गया। ऐसे में इकोनॉमिस्ट ने 55.5 तक गिरावट का अनुमान लगाया है। दूसरे डेटा में जॉबलेस क्लेम्स और यूनिट लेबर कॉस्ट नंबर्स शामिल थे जो क्रिप्टो पॉजिटिव थे। यूनिट लेबर कॉस्ट Q3 में 3.5% बढ़ी, Q2 में 8.9% से नीचे। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स में 218,000 से 217,000 तक मामूली गिरावट देखी गई, जबकि डेटा क्रिप्टो फ्रेंडली थे। फेड चेयरमैन पावल के भाषण ने बायर एपेटाइट का टेस्ट करना जारी रखा। गुरुवार को नैस्डैक कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.73% गिर गया क्योंकि मार्केट्स ने बुधवार को फेड चेयरमैन पावेल के भाषण पर प्रतिक्रिया दी। बीटीसी और दूसरे ऑयल कॉइन्स की कीमत यूएस स्टॉक्स के ट्रेंड को फॉलो करती है, इसीलिए क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व और अन्य की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखते हैं। ट्रेडर्स दिन के अंत में यूएस जॉब्स रिपोर्ट पर नजर रखेंगे जो संभवत बीटीसी को इंडेक्स के साथ फिर से जोड़ देगा। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.01 ट्रिलियन है जो पिछले दिन की तुलना में 0.3% ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम $80.37 बिलियन है जो कि 20.92% कम है। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $5.61 बिलियन है जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटों की वॉल्यूम का 6.98% है। इन सबके बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने 0.14% की गिरावट के साथ $20,275 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 0.31% की गिरावट के साथ $1,540 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। क्रिप्टोकरेंसी का IC15 इंडेक्स 2% गिरावट के साथ 30,590 पॉइंट पर देखा गया। बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चैनपेंग जाओ ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस पर इंडिया के भारी टैक्सेस शायद वहां इंडस्ट्री को खत्म कर देंगे। जाओ ने 3 नवंबर को सिंगापुर में एक फिनटेक कॉन्फ्रेंस में पैनल के दौरान लाइव स्ट्रीम रिमार्क्स में कहा, इंडिया में हाई टैक्स है जो शायद इंडस्ट्री को खत्म करने जा रहा है। जाओ के रिमार्क्स इंडिया के क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में चिंताओं को बढ़ा रही है। इस साल गवर्नमेंट द्वारा एक टैक्स पैकेज के इंप्लीमेंटेशन के बाद से ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गई है। ऑनलाइन पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म ने गुरुवार को लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने न्यू ओनर इलोन मस्क द्वारा पिछले हफ्ते शुरू किए गए बदलाव के हिस्से के रूप में एक क्रिप्टो वॉलेट बनाने की अपनी योजना को रोक दिया है। आर्टिकल में कहा गया कि ट्विटर के लिए एक क्रिप्टो वॉलेट बनाने की हाल ही में सामने आई योजना रुकी हुई लग रही है। ऐसे में डोजकॉइन हाल ही में 4% से ज्यादा गिर गया है। पॉपुलर मीम कॉइन की कीमत ने मस्क की एक्टिविटीज और प्रोनाउंसमेंट्स पर लगातार प्रतिक्रिया दी है। बिलियनेयर एंटरप्रेन्योर और टेस्ला सीईओ टोकन के बड़े समर्थक रहे हैं। वहीं ट्विटर ने अभी तक क्रिप्टो वॉलेट के लिए अपनी योजनाओं के बारे में प्रतिक्रिया नहीं दी है। जापान की न्यूली एस्टैब्लिश डिजिटल एजेंसी ने अनाउंसमेंट की कि वह लीगल स्टेटस देने से पहले अपने एप्लीकेशंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपना खुद का डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। Web3.0 स्टडी ग्रुप ने 2 नवंबर को जापान की डिजिटल एजेंसी की 5th मीटिंग के दौरान एक डाओ बनाने का डिसाइड किया, क्योंकि ब्लॉकचेन नेटवर्क में सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की कमी है, इसीलिए मेंबर्स प्रोटोकॉल की ओर से डिसीजंस लेने के लिए फ्रीक्वेंटली डाओ बनाएंगे।
स्टडी ग्रुप का ओवरऑल गोल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को बेहतर ढंग से समझना है, जो एक गवर्नेंस टोकन डिजाइन करेगा और डिसाइड करेगा कि इसे डाओ के अंदर अपने रोल के हिस्से के रूप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। दूसरे क्रिप्टो फोकस टास्क में एक डिजिटल वॉलेट खोलना और गैस चार्जेस के साथ कोऑर्डिनेट करना शामिल है, जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के पीछे की फीस है। इन टास्क के अलावा स्टडी ग्रुप वोटिंग मेथड्स और डाओ को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ये डिटरमिन करेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने जेपी मॉर्गन, डीबीएस बैंक और सिंगापुर के गवर्नमेंट ओन्ड इन्वेस्टमेंट फंड टेमासेक द्वारा लॉन्च किए गए ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क पार्टियोर में इन्वेस्ट किया है। हालांकि इन्वेस्टमेंट की गई अमाउंट का खुलासा नहीं किया गया। 3 नवंबर को की गई एक घोषणा के अनुसार बैंक नेटवर्क में फाउंडिंग शेयर होल्डर बन जाएगा, जो प्लेटफॉर्म के पहले यूरो सेटलमेंट प्रोवाइडर के रूप में काम करेगा। पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी स्ट्राइप CEO पैट्रिक कोलिसन के एक मेमो के अनुसार 1000 से ज्यादा लोगों या इसके वर्कफोर्स की संख्या का 14% से ज्यादा की छटनी कर रही है। यूजर्स को USDC में पेमेंट्स करने की अनुमति देकर और फियाट टू बिटकॉइन पेमेंट्स के लिए ओपन नोड के साथ साझेदारी करके स्टार्टअप ट्रेडिशनल पेमेंट फर्म्स में क्रिप्टो अडॉप्शन को लीड कर रहा है। कॉलिसन ने छटनी के लिए इन्फ्लेशन, राइजिंग एनर्जी प्राइसेस और हायर इंटरेस्ट रेट जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को दोषी ठहराया है और कहा है कि हम जिस दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए खुद को उचित रूप से अडेप्ट करने के लिए हमें अपने कॉस्ट कम करने की जरूरत है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्रैकन ने अपने नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस के लिए अपने प्लेटफॉर्म का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें गैसलेस ट्रांजैक्शंस और एक इंट्यूटिव डिजाइन है। करंटली मार्केटप्लेस सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है जो मई 2022 की वेटलिस्ट में शामिल हुए थे। क्रैकन NFT खुद को आपके NFT कलेक्शन को एक्सप्लोर, क्यूरेट और सिक्योर करने के लिए कम्प्लीट सोल्यूशन के रूप में बिल करता है। लॉन्च में इथेरियम और सोलाना ब्लॉकचेन्स पर 70 सबसे टॉप सेलिंग NFT का क्यूरेटेड सिलेक्शन शामिल है। वेबसाइट के अनुसार ट्रांजैक्शंस गैसलेस होंगे, जिसका मतलब है कि यूजर्स ब्लॉकचेन नेटवर्क फीस के बिना क्रैकन इकोसिस्टम के अंदर आयोजित NFTs को खरीदने और बेचने में सक्षम होंगे। इतना ही नहीं, क्रैकन ने एक प्रेस रिलीज में कहा, इसका मतलब है कि क्लाइंट्स पीक नेटवर्क एक्टिविटी के दौरान भी जीरो डिस्ट्रप्शन के साथ मार्केट प्लेस में ट्रेड कर सकते हैं। क्योस ने गुरुवार की देर रात गाला गेम्स को फंसाया, क्योंकि पोटेंशियली $1 बिलियन हैक के डर से या शायद रग पुल ने इसके नेटिव गाला टोकन को 20% नीचे गिरा दिया। जबकि स्पष्ट रूप से क्रिप्टो प्ले टू अर्न प्लेटफॉर्म से संबंधित एक फर्म ने कहा कि उन्होंने असल में खुद पर प्रभावी ढंग से हमला किया था, ताकि बैड एक्टर्स को यूजर्स के पैसों को चोरी करने से रोका जा सके। एक सिंगल ब्लॉकचेन एड्रेस के बाद पैदा हुई चिंताएं $1 बिलियन से ज्यादा मूल्य के गाला टोकन्स को थिन एयर से बाहर निकालती हैं। जब क्रिप्टो वॉचडॉग्स पेक्शील ने इसे हरी झंडी दिखाई, तो पी नेटवर्क, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और गेमिंग टोकन्स के लिए राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, जिसमें जाहिर तौर पर गाला शामिल है, जिसका मतलब ये है कि ये मिंट के पीछे था। मल्टी चेन क्रिप्टो वॉलेट ब्लॉक्टो और मार्क क्यूबन द्वारा बैक्ड इकोसिस्टम ने नए यूजर्स को गेन करने में प्रोजेक्ट की सहायता के लिए $3 मिलियन का एप्टोस इकोसिस्टम फंड लॉन्च किया है। एप्टोस लैब्स हाई प्रोफाइल लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसने मार्च फंडिंग राउंड में एंडरसन हॉरोविट्स के लीड में $200 मिलियन और FTX वेंचर्स और जंप क्रिप्टो के लीड में जुलाई के राउंड में $150 मिलियन जुटाए। क्रंचबेस के अनुसार ब्लॉक्टो ने फंडिंग में $8.8 मिलियन जुटाए हैं और इथेरियम, सोलाना, फ्लो, BNB चेन, पॉलीगॉन और ट्रॉन ब्लॉकचेन्स का सपोर्ट करता है। फंडिंग के साथ ब्लॉक्टो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसमें ब्लॉक्टो के इन्वेस्टर बेस, फाइनेंशियल मार्केटिंग टीम और डेवलपर्स तक एक्सेस शामिल है। हैस F1 टीम FIA फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप में एकमात्र अमेरिकन ओन्ड टीम ने आज ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस OpenSea के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की। नया एग्रीमेंट ब्रांडेड NFTs की एक लाइन के क्रिएशन के साथ साथ रेसिंग इवेंट्स में क्रॉस प्रमोशन के लिए बनाया गया है, जहां OpenSea लोगो हैस F1 टीम VF22 सीरीज कार्स पर दिखाई देगा। इनॉग्रल मायामी ग्रैंड प्री अगले हफ्ते के अंत में होने वाला है और मायामी के बढ़ते क्रिप्टो सिटी स्टेटस को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि NFTs इसमें शामिल होंगी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।